तो यहां तक क्लियर हुआ? अब देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड. कितनी चीजें ऐसी हैं आपकी बॉडी के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, जो आप खुद करते हो. जैसे ये मैंने खुद किया, ये हाथ खुद किया. कब किया? अभी किया. लेकिन अभी 5 मिनट पहले ये मैं खुद नहीं कर रहा था, ये हो रहा था. आपसे बात करते करते मेरा ध्यान इन हाथों की तरफ गया और मैंने ऐसे किया. इससे पहले क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ था? समझ गए? मेरा ध्यान यहां पर नहीं था, ये तो अपने आप हो रहा था. ये कहां से हो रहा था? सबकॉन्शियस माइंड. अब ये कहां से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड. दोनों में फर्क देख पा रहे हो? yes, हाँ. पलकें झपकती हैं? yes. कितनी देर से झपक रही हैं? जब से आए हो तब से झपक रही है. अभी ध्यान दो, देखा कितने अच्छे से झपक. कॉन्शियसली आप जो नेचुरल मूवमेंट है पलक के झपकने की, उसको चेंज भी कर सकते हो. टिक 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 भी कर सकते हो, नहीं भी झपका सकते हो. वो नहीं होता कॉम्पिटिशन होता है, इधर आप बैठे हो इधर वो बैठी है, तो देखे चले जा रहे हैं, आंखों से पानी गिर रहा है लेकिन देखे चले जा रहे हैं. और फिर उसको जिताने के लिए हम अपनी पलक झपका देते हैं कॉन्शियसली. डाइजेशन आप कॉन्शियसली करते हो, खुद अपना ध्यान अंदर लेकर के जाते हो मेडिटेशन में बैठ के. ये मैंने खाया बर्गर और ये मैंने पी पेप्सी, अब इन दोनों को मिक्स किया, मिलाया और इसको मैंने पचाया और निकाल. हाँ, तो 99.99% जो भी कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के लेवल पे, वो सब किस लेवल पे हो रहा है? सबकॉन्शियस. अभी एट दिस मोमेंट कितनी प्रोसेसेस चल रही है आपकी बॉडी में, कितना कुछ हो रहा है आपके ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे. एक एक्सचेंज चल रहा है, हवा का एक्सचेंज हो रहा है, पानी का एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है. इस यूनिवर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन चल रहा है आपकी बॉडी का और जो भी कुछ आसपास पे है उसका, और ये सब अपने आप हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? आप कॉन्शियसली एक काम करना चाहते हो बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है. ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है? जैसे वो काम करते हो तो इरिटेशन होती है. अब अगर यही काम जिंदगी भर करते रहे तो यहां पे सक्सेस मिलेगी क्या? बट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कॉन्शियसली जिसको करते ही एट अ सबकॉन्शियस लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसके पूरा होने के बारे में आप सोचते हो, तब क्या हो रहा है? और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है? दोनों में फर्क है या नहीं है? तो हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से समझो. हम बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैसी फीलिंग हो रही है? अगर उसको आप कंट्रोल कर सको, उसको आप चेंज कर सको, तो आप जीत गए.